नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जल्द जारी होगा अक्षय ऊर्जा पॉलिसी। सारण में हिंसक झड़प के बाद 23 मई तक बंद हुए इंटरनेट। एसटीटी की परीक्षा भी हुई रद्द। इस दिन तक जारी हो सकता है बिहार कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम। केकेआर की धमाकेदार जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान आया सामने। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जल्द जारी होगा अक्षय ऊर्जा पॉलिसी। बीते दिन बिहार में चल रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं की बिजली कंपनी के सीएमडी और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने समीक्षा की थी। इस समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही बिहार में अक्षय ऊर्जा पॉलिसी को जारी किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की स्थापना से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभाग और बिजली कंपनी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बांका में सबसे बड़े 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की कमिश्निंग के लिए अवाडा ग्रुप को बधाई भी दी है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल से गायब रहे डॉक्टर और कर्मचारी से मांगा गया स्पष्टीकरण। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है ताकि मातृ शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 और 21 तारीख को गर्भवतियों की विभिन्न प्रकार की जाँच सभी सरकारी अस्पतालों में की जाती है। लेकिन जब इस अभियान का निरीक्षण करने सिविल सर्जन डॉक्टर बीपी सिन्हा निकले तो उन्होंने लखीसराय के सदर अस्पताल में पाया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा कुमारी, अभिलाषा रानी, डॉक्टर रूपा रानी और जीएनएम अनु कुमारी, गुड़िया कुमारी और आशा कुमारी अनुपस्थित थी। अनुपस्थित रहने वाले इन सभी डॉक्टर और कर्मियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। साथ ही मंगलवार के वेतन पर भी रोक लगा दिया गया है। अनुपस्थित रहने वाले इन सभी डॉक्टर्स की मनमानी और लापरवाही के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दिन तक जारी हो सकता है बिहार कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम। बिहार बोर्ड की परीक्षा में 10वीं और 12वीं पास बच्चों को जिस सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा था उनसे कंपार्टमेंट की परीक्षा ली गई थी। जो भी बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे जल्द ही उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस परीक्षा के परिणाम को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर अभी तक तो ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब किसी भी समय में परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष कंपार्टमेंटल परीक्षा के परिणाम की घोषणा 31 मई को की गई थी, तो उसी तारीख के आसपास इस बार भी परिणाम घोषित करने की संभावना जताई जा रही है। बिहार शिक्षक बहाली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मिला आरक्षण का लाभ। बिहार में बीपीएससी ने बड़े स्तर पर शिक्षक बहाली की थी। अभी तक शिक्षक बहाली 2 चरणों में हो चुके हैं। इस दौरान दूसरे राज्यों से भी कई शिक्षकों को बिहार में सेवा करने का मौका दिया गया है और उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिला है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों के दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को भी बिहार में शिक्षक बहाली में आरक्षण का लाभ दिया गया है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने से शिक्षक नेता भी नाराज हैं। बिहार विद्यालय अध्यापक संघ ने इसे लेकर कहा है कि ये सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व से अधिसूचना है कि बिहार में आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा और चाहे महिला और दिव्यांग हो या विभिन्न कोटि के उम्मीदवार हो, जो भी दूसरे प्रदेश से हैं उन्हें सामान्य कोटि के 50% सीट पर ही फाइट करनी होगी। सारण में हिंसक झड़प के बाद 23 मई तक बंद हुए इंटरनेट। एसटीटी की परीक्षा भी हुई रद्द। सारण जिले में मतदान के बाद 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया जिसमें राजद समर्थक की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद छपरा में कई संवेदनशील जगहों पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा 23 मई तक इंटरनेट बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही आज यानी 22 मई और 23 मई को होने वाली एसटीटी की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। इंटरनेट बंद करने का उद्देश्य है बिगड़ते माहौल पर नियंत्रण पाया जा सके, वरना सोशल मीडिया के माध्यम से कई असामाजिक तत्व उकसाने वाले पोस्ट शेयर कर सकते हैं। फिलहाल जिले में कई जगहों पर सख्ती के साथ जवान तैनात किए गए हैं। राजद प्रत्याशी के साथ सरकारी स्कूल के शिक्षक को तस्वीर खिंचवाना पड़ा भारी। वाल्मीकि नगर सीट से राजद उम्मीदवार दीपक यादव के साथ पार्टी कार्यालय में 4 शिक्षकों ने तस्वीर खिंचवाई थी। अब किसी पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाना इन चारों ही शिक्षकों को भारी पड़ गया है। दरअसल राजद नेता के साथ इन चारों शिक्षकों ने जो तस्वीर खिंचवाई जिससे ये मामला आचार संहिता का उल्लंघन समझा गया और शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।
डीपीओ के आदेश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने पटखौली थाना में आवेदन दिया, जिसमें बताया गया है कि बगहा प्रखंड के चार शिक्षक वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में देखे गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, यदि पार्टी के प्रचार प्रसार में इनकी भूमिका पाई जाती है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में ये चार जिला बना फाइलेरिया मरीजों का हब सेंटर। फाइलेरिया के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बिहार में तेजी से बढ़ती ही दिख रही है। फाइलेरिया मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक राज्य के फाइलेरिया के मरीजों की संख्या 157,685 तक आ चुकी है। साथ ही अनुमान लगाया गया है कि इनकी संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में सबसे ज्यादा फाइलेरिया मरीज वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सारण में देखने को मिल रहे हैं। इन चार जिलों को तो फाइलेरिया मरीजों का हब सेंटर तक घोषित कर दिया गया है। राज्य के 39.30% मामले केवल इन्हीं चार जिलों से बताए जा रहे हैं। पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। भाजपा और एनडीए के विरोध में जाकर काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए हैं। पवन सिंह के चुनाव में खड़े होने से यहां का मुकाबला एनडीए, इंडिया गठबंधन और पवन सिंह के बीच त्रिकोणीय हो चुका है। पार्टी के विरोध में जाने पर और पार्टी को चुनौती देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह के खिलाफ भाजपा ने बड़ी कार्रवाई की है। भाजपा ने पवन सिंह के इस अनुशासनहीनता के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। याद होगी पवन सिंह को भाजपा की तरफ से पश्चिम बंगाल आसनसोल का टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह ने यहां से चुनाव लड़ने को ही मना कर दिया, जिसके बाद वे भाजपा के विरोध में जाकर काराकाट सीट से निर्दलीय खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा तेजस्वी यादव और उनके नन्हे फैन का ये वीडियो। अपने चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर तेजस्वी यादव लगातार बिहार में कई जगहों पर यात्रा कर रहे हैं। अब इसी तेजस्वी यादव की मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई है। लड़की का नाम फातिमा था, जो तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी फैन थी। फातिमा ने कहा कि सुना है तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तो चलो उनसे मिल ही लेते हैं। नन्हे फैन को देखकर और उनकी प्यारी बातें सुनकर तेजस्वी यादव भी काफ़ी खुश हो गए और फातिमा के साथ फोटो खिंचवाई। फातिमा ने तेजस्वी यादव से कहा कि आप में सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी को नौकरी देते हैं। तेजस्वी ने अपने नन्हे फैन का शुक्रिया अदा किया। तेजस्वी के साथ उनकी नन्हे फैन का ये वीडियो काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर का दावा, सभी नेताओं के दांत करेंगे खट्टे। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कल होकर समाज के लोग बोलेंगे कि प्रशांत किशोर गांवों प्रखंडों में घूम रहे हैं, इनकी तो कोई ताकत ही नहीं है। मुझे नीतीश कुमार और लालू यादव धकिया नहीं सकते हैं। मैं अगर बिहार में लड़ने आया हूँ तो इतनी ताकत के साथ लड़ूंगा कि इन सब नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। पश्चिम बंगाल में आपने मेरा काम देखा होगा कि मैंने उनकी नस ढीली की थी। भाजपा ने पूरी भारत की ताकत लगा दी और मैंने कहा था कि 100 पार भी नहीं होंगे। क्या भाजपा वाले हुए 100 पार? जितना पैसा लगाना था उन्होंने लगा दिया, पर कुछ नहीं हुआ है। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं है। अगर लड़ने आए हैं तो इस बात को मानकर चलिए कि जितने का खाका भी दिमाग में लेकर आए होंगे, सोच समझ कर आए हैं कि ये कठिन काम है, इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। सब कुछ सोच समझ कर व्यवस्था बनाने आए हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर मुकेश सहनी ने किया बड़ा दावा। चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच एनडीए उम्मीदवार को लेकर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने के पीछे बीजेपी की बड़ी चाल है। बीजेपी इससे उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी बीजेपी ने ठिकाना लगा दिया है। मुकेश सहनी ने दावा किया कि अगर काराकाट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं तो बीजेपी उनसे फिर से ज्वाइन करने को कहेगी। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा भी ठिकाने लग जाएंगे और पवन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मुकेश सहनी के दावे पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जीतनराम मांझी ने रोहिणी आचार्य पर लगाई आरोप। पांचवें चरण के चुनाव के दौरान सारण में हुए चुनावी हिंसक पर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने रोहिणी आचार्य पर निशाना साधा है। उन्होंने रोहिणी आचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजद ने पहले लोगों को भड़काकर गोलीबारी करवाई, इसके बाद घरियाली आंसू बहा रहे हैं। ऐसा कहते हुए जीतनराम मांझी ने राजद की सारण प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। साथ ही रोहिणी आचार्य का नाम लिए बिना ही उन्होंने दोहरा चरित्र का आरोप लगाया है।
सारण में हुए चुनावी हिंसक घटना पर तेजस्वी यादव ने की निष्पक्ष जांच की मांग। छपरा में हुए चुनावी हिंसक मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब इसी बीच तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी ने कहा है कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और दोषियों पर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने गया है। मेरी मर्जी थी कि मैं खुद पीड़ित परिवार से मिलने जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा वरना भाजपा वाले कहेंगे कि तेजस्वी वहाँ माहौल बिगाड़ने आया है। केकेआर की धमाकेदार जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान आया सामने। आईपीएल 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल एंट्री मिल चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद को केकेआर ने 8 विकेट से हरा दिया और एक तरफा मैच खेलकर केकेआर ने फाइनल में प्रवेश ले लिया है। केकेआर की इस बड़ी जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम फाइनल में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देगी। आपको बता दें कि मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिला था। इससे पहले क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली बल्लेबाजी की थी और पूरी टीम 19.3 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई। वहीं केकेआर ने 13.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है राजकिशोर महतो, सादुल्ला पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, अमन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद शफीक, नौशाद रजामत कुमार, नवल किशोर झानवर, करीम खान, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक आईपीएल 2024 की ट्रॉफी कौन जीत सकता है? आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।